लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में कांग्रेस के दो बड़े नेता अपने बेटे और बेटी को टिकट न मिलने से नाराज हो चुके हैं। बता दें कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट काट दिया गया है और वहीं हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी हिसार से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस का अंतर्कलह और बढ़ चुका है। आपको बताएं कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट ना मिलने से वो खासी नाराज दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते किरण चौधरी ने आज दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों की बैठक भिवानी में बुलाई है। साथ ही बेटे को टिकट ना मिलने पर नाराज वीरेंद्र सिंह भी अपने समर्थकों के साथ अहम बैठक 28 अप्रैल को जींद में बुलाई है। बैठक में मुख्य रूप से वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह और उनके समर्थक शिरकत करने वाले हैं और इस बैठक में हो सकता है कोई बड़ा फैसला भी लिया जाए। हाल ही में कांग्रेस ने अपने कोटे में 9 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट हैं और जिन पर 25 मई को चुनाव होना है और इन 10 सीटों में से 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। इसी के चलते कांग्रेस ने अपने कोटे की 9 में से 8 सीट पर गुरुवार को उम्मीदवार घोषित कर दिए। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिला, अम्बाला से मुलाना के विधायक वरुण चौधरी, सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, हिसार सीट से पूर्व सांसद जयप्रकाश, करनाल सीट से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा, सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और फरीदाबाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। हालांकि गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान अभी तक नहीं किया है, जहां एक और गुरुग्राम की सीट पर पेच फंसा हुआ है और दो वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी आला कमान झेल रहा है। अगर एक गुट के पक्ष में कांग्रेस फैसला करती है तो दूसरा गुट नाराज हो जाएगा। हालांकि हिसार सीट पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए ब्रजेंद्र सिंह टिकट के मुख्य दावेदार थे। कुछ समय पहले उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने सीट से बिजेंद्र सिंह को प्रत्याशी न बनाकर हिसार सीट से पूर्व सांसद जयप्रकाश को टिकट थमा दिया। हालांकि पार्टी ने किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी का भी टिकट काटकर राव दान सिंह को टिकट दे दिया है, जबकि पिछले कई दिनों से किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट की लॉबिंग कर रही थी। लिस्ट जारी करके कांग्रेस ने विरोधी पार्टियों का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह और बढ़ चुकी है और अब इसका पार आलाकमान कैसे कर पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती नजर आ रही है।